Good morning, students. The chapter that we are pursuing now, that is staffing, and the topic that we are going to study today, that is selection. Now, when we have studied the process of staffing, in that process we have studied certain steps, that is estimating the manpower requirement, then recruitment, selection, placement and orientation, and training and development. And out of these steps, there are steps which are a concept in itself. Recruitment was a concept. And now we are going to study the concept of selection, that what is selection and what is the procedure of selection. So, coming to the meaning of selection. Selection means identifying and choosing the best person out of whom, out of the prospective candidates that we have. Recruitment जब हम करते हैं, we receive applications from different people who have applied for the kind of post we have released. And selection में हमें क्या करना है, जो लोगों ने हमारे पास job के लिए apply किया है, we need to choose best out of them. And ये जो best हमें choose करना है, इसका एक certain procedure होता है. And that process we are going to study today. इट नीड नॉट टू बी सेम फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रोसेस के सारे स्टेप्स लागू, पर क्योंकि हम इसे एज अ कॉन्सेप्ट और एज अ पार्ट ऑफ स्टडी हमें इसको पढ़ना है, एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस हमें इसको पढ़ना है, तो हम जनरली जो सारे स्टेप्स एक सिलेक्शन प्रोसीजर में आते हैं वो सारे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. So let us understand it, how it happens. जब स्क्रीनिंग करते हैं तब होगा क्या, होता क्या है ये स्टेप. रिक्रूटमेंट में हमने एप्लीकेशंस रिसीव की, अब कोई ना कोई एक दिन हम उस कैंडिडेट को अपने ऑफिस में बुलाएंगे. तो जब स्क्रीनिंग होती है तब होता क्या है, ऑफिस का जो रिसेप्शनिस्ट है वो जो भी कैंडिडेट उनके पास आए होंगे वो सारे कैंडिडेट से वो एक परफॉर्मा फिल करवाएंगे. उनका नाम क्या है, कौन सी पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, उनके एजुकेशन की एजुकेशनल जो भी डिटेल्स हैं, ये सारा कुछ वो फिल करके देंगे. देन यहीं पे क्या किया जाएगा, सॉर्ट आउट किया जाएगा कि जो जो क्वालिफिकेशन या जो जो डिग्रीज या जो एलिजिबिलिटी हमने मांगी थी क्या वो सारी इस पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के पास हैं. अगर तो नहीं होंगी तो ये एप्लीकेशंस वहीं रिजेक्ट कर दी जाएंगी. इफ आई एम हैविंग लेट अस से 50 कैंडिडेट्स लाइक दिस, तो कुछ लोग तो यहीं पे ही शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे. ये सारे के सारे जो 50 लोग हैं जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, ये सारे के सारे जो 50 लोग हैं ये नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएंगे. फर्स्ट स्टेप पे जो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हुआ, स्क्रीनिंग का यहां बेसिकली मतलब है कि एक स्क्रूटिनी कर लेना, छांट लेना कि कौन कौन से जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे प्रोवाइडेड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सूटेबल हैं, कौन से नहीं. एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म उनसे फिल करवाया जाता है, पर्टिकुलर परफॉर्मा फिल करवाया जाता है, सारी डिटेल्स उसमें लिखवाई जाती है. सो दिस इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग. देन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस, नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन टेस्ट. जो भी कैंडिडेट प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में हमें सूटेबल लगते हैं, जो हमारी जॉब के लिए हमें लगता है कि जिस तरह का काम हम उनसे चाहते हैं, जिस तरह की क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, वो सारी वो पोजेस करते हैं, देन दे आर पुट फॉरवर्ड फॉर द टेस्ट. सो जब उनको सिलेक्शन टेस्ट के लिए अपियर होना पड़ता है, देर आर सर्टन काइंड ऑफ टेस्ट दिस आर टेकन. और वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, जनरली एप्टीट्यूड टेस्ट, देन पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रेड टेस्ट,
ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे के सारे टेस्ट्स ही हों. डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ टेस्ट कंडक्ट करती है कैंडिडेट्स के लिए. नाउ कमिंग टू एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? जनरली आपने देखा होगा जो बैंकिंग की जॉब्स होती हैं उसके लिए एक MCQs वाला टेस्ट कंडक्ट किया जाता है. इट हैज मैथ्स पोर्शन, इट हैज जनरल रीजनिंग पोर्शन, इट हैज इंग्लिश पोर्शन एंड सो ऑन. ये जो टेस्ट हैं ये एप्टीट्यूड टेस्ट्स हैं. एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब आपको टेस्ट किया जाता है कि आप कितना सॉल्व कर सकते हैं, कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, रीजनिंग एबिलिटी आपकी कितनी है. देन पर्सनैलिटी टेस्ट, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर, पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं. इफ यू आर टू बिकम अ मॉडल फॉर सम काइंड ऑफ सॉन्ग और एन एडवर्टाइजमेंट, दे आर द टेस्ट दैट वुड बी कंडक्टेड, दैट वुड बी कॉल्ड एज पर्सनैलिटी टेस्ट. देन इंटेलिजेंस टेस्ट. अब इंटेलिजेंस टेस्ट अगेन इफ यू आर अप्लाइंग फॉर सम काइंड ऑफ डिफेंस जॉब्स, वहां पे जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं वो होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट. There are certain kind of tests like situation reaction test or word test. अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़ें होती क्या हैं. सो ये कुछ एक तरीके के पर्टिकुलर टेस्ट हैं जो जॉब पे जॉब को मद्देनजर रखते हुए हम कंडक्ट करते हैं. देन ट्रेड टेस्ट. ट्रेड टेस्ट मीन्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ टाइपिस्ट तो आपकी कंप्यूटर टाइपिंग फास्ट होनी चाहिए. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ लेट अस से ड्राइवर, देन यू मस्ट बी एफिशिएंट इन योर ड्राइविंग स्किल्स. सो आपकी एक पर्टिकुलर जॉब की स्किल्स को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है दैट इज नोन एज ट्रेड टेस्ट. देन देर आर अदर काइंड ऑफ टेस्ट दैट कैन बी GK टेस्ट, दैट कैन बी नेम, एनी नेम यू कैन गिव. वो डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, किस तरह के काम के लिए आपको पर्सन चाहिए एंड उनको टेस्ट करने के लिए आप किस तरह का एक अरेंजमेंट करते हैं फॉर एग्जामिनिंग दैट पर्सन. सो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ टेस्ट. देन जब सिलेक्शन टेस्ट हो जाते हैं, व्हेन वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड द सिलेक्शन टेस्ट, तो उसके बाद क्या होता है? In the next step, we conduct the employment interview. कुछ लोग तो preliminary screening करते हुए भी हमें shortlist कर लिया और कुछ लोग घर चले गए. We have rejected some applications. Then कुछ लोग selection test वाली stage पे test clear कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे. Again we would be rejecting those candidates. Now coming to employment interview. Now let us understand one thing here. अगर ये selection test का जो step है, अगर ये ना हो, directly after preliminary screening you are having employment interview, then you can imagine that how much time the employer needs to dedicate for only the purpose of interview. आधा आधा घंटा या एक एक घंटा किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू करना है, और अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं इट वुड बी रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ टाइम. सो सिलेक्शन टेस्ट हमें हेल्प कर देता है. इट इज़ ऑलरेडी एन अरेंज्ड थिंग. आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर्स रेडी हो सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी सेटअप रेडी हो सकता है. विद दैट जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स आएंगे, यू विल बी हैविंग लेसर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स and then you will be able to dedicate the same time for lesser number of candidates. You will be able to judge them more. Employment interview kya hai? Face to face conversation with the employer. Then jab employment interview ho jata hai uske baad kya hota hai? Then there is reference and background checks. अगर आपने पहले कहीं जॉब की है, डेफिनेटली यू विल मेंशन द डिटेल्स इन योर रिज्यूमे वेयर एवर यू हैव वर्क. सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिटेल्स योर रेफरेंस वुड बी चेक, योर बैकग्राउंड वुड बी चेक. इट मीन्स हाउ यू हैव बीन इन योर प्रीवियस जॉब, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू हैव बीन, व्हाट काइंड ऑफ डेडिकेशन यू हैव शोन देयर, सो दैट इट विल बिकम ईजियर फॉर द एम्प्लॉयर टू जज योर पर्सनैलिटी बेटर.
क्योंकि हर एम्प्लॉयर चाहता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट लेके आए. सिलेक्शन का मतलब ही यही है, आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट आउट ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स. सो व्हेन वी आर फाइंडिंग दीज काइंड ऑफ डिटेल्स, लाइक वी आर चेकिंग देयर रेफरेंसेज, वी आर चेकिंग देयर बैकग्राउंड्स, वी वुड बी एबल टू नो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुरानी जॉब में ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आए हों और सम काइंड ऑफ फ्रॉड कैन बी देयर. वी नीड टू चेक दोज थिंग्स. देन आफ्टर दैट देयर इज सिलेक्शन डिसीजन. अब ये सिलेक्शन डिसीजन में क्या होता है? सिलेक्शन डिसीजन में जो भी पैनल सिलेक्शन के लिए बैठा है, अब वो पैनल में कौन कौन हो सकता है? इफ वी आर एम्प्लॉइंग द पर्सन इन प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेट अस से, तो प्रोडक्शन मैनेजर होगा और उनके सुपरवाइजर्स हो सकते हैं साथ में. किसी भी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट का जो हेड है, जब हम उससे ये राय लेते हैं, व्हेन वी टेक द डिसीजन फॉरवर्ड टू हिम कि आप देख लीजिए आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये पर्सन सही है या नहीं, देयर कम्स द सिलेक्शन डिसीजन बाय द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट. वी नीड टू टेक द अप्रूवल ऑफ दैट डिपार्टमेंट्स हेड, बिकॉज इन द फ्यूचर दैट पर्सन इज गोइंग टू वर्क इन दैट डिपार्टमेंट, दैट पर्सन इज गोइंग टू वर्क अंडर दैट पर्टिकुलर हेड. सो उस पर्सन क्या जो डिसीजन लेना है उसमें उसका एक से होना चाहिए, उसमें उसकी राय लेना जरूरी है. देन आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन, जब सिलेक्शन डिसीजन हो गया है दैट यस वी आर ओके विद दिस पर्सन, नाउ इट इज अप टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कि वो उनको किस टर्म्स पे जॉब पे रखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ सैलरी, व्हाट काइंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ही इज गोइंग टू पुट फॉरवर्ड. सो सिलेक्शन डिसीजन के बाद होता है देन मेडिकल एग्जामिनेशन. As I have told you earlier, कि जरूरी नहीं है हर ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे स्टेप्स फॉलो, बट बिकॉज वी आर स्टडिंग द कंप्लीट प्रोसेस सो मेडिकल एग्जामिनेशन वुड बी देयर. मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरीके से, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर डिफेंस जॉब देन डेफिनेटली मेडिकल एग्जामिनेशन वुड बी देयर. अदरवाइज कॉरपोरेट सेक्टर में भी आजकल ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है ये होने लगा है. क्यों? बिकॉज द कंपनीज हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग मेडिकल इंश्योरेंस कि अगर एम्प्लॉय को हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी उसका खर्चा पे करेगी. सो कंपनी ये मेक श्योर करती है कि सिलेक्शन के टाइम पे ही हम ऐसे पर्संस को ही रखें हु आर ऑलरेडी हेल्दी एंड नॉट स्ट्रगलिंग विद सम काइंड ऑफ बिगर डिजीज. सो मेडिकल एग्जामिनेशन इज देयर, देन जॉब ऑफर. जो एम्प्लॉयर है वो जॉब ऑफर देता है दैट वी आर रेडी टू हायर यू इन दीज फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस, आपकी सैलरी इतनी होगी, आप इस पोस्ट पे काम करेंगे, इस डेट से काम करेंगे. एम्प्लॉयर ऑफर्स द जॉब टू द कैंडिडेट एंड आफ्टर दैट व्हेन कैंडिडेट गेट्स एग्रीड टू इट एट द लास्ट देयर इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. So there are 8 steps. I'm just revising these steps. First is preliminary screening. जब कैंडिडेट हमारे पास आया, हमने उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो उससे लिखवाई. We have just checked it. And then selection test. There are certain kind of tests that we would be conducting to know that whether the person is suitable for our job or not. Then after that, employment interview, a face-to-face conversation with the employer. Then reference and background checks through the information which he has provided in his resume or CV. Then selection decision, the concerned department's head in under which the person is going to work. That concerned department head would be making sure that okay, whether this person is suitable for the job or not. Then after that, medical examination, then job offer, and then contract of employment. So there are 8 steps in the process of selection. So for today, only this is the thing that we are going to cover. Thank you.